तो नाज़रीन अभी पहाड़ों पे लोग समोसा बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं समोसा फ्राई कर रहे हैं ऑयल पे। तो दोस्तों आज का व्लॉग इफ्तारी के हवाले से है। तो यहाँ पहाड़ों पे लोग किस तरह इफ्तार करते हैं, इनकी रूटीन क्या होती है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो ये रहा है हमारा मस्जिद जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। और ये रहे सियाचेन गावों के घर बार, मिट्टी से बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हम ऊपर टॉप पे आए हुए हैं ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, ठीक है, पानी भरने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पानी हमने टंकी पे छोड़ा है। तो ये मेरा ग्राउंड सियाचेन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी। आज धूप भी निकले हुए हैं और आसमान पे थोड़े थोड़े बादल हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहे हैं आज। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे गाँव पे। पुराने ज़माने में यहाँ पर हमारे घर बार हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे घर बार हुआ करते थे। यहाँ से हमने घर बार को ख़त्म करके ऊपर लगाए हैं। अभी आप देख सकते हैं पुराने घर बार अभी भी मौजूद हैं। अभी यहाँ पर हम लोग माल मवेशी रखते हैं, पुराने घरों में भी माल मवेशी रखते हैं। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के ये लाख लगाए हुए हैं। पुराने ज़माने में लोग इस तरह के लाख लगाते थे। इधर से एक लकड़ी अंदर लगाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से ऊपर छत पे जाने के लिए इस तरह से सीढ़ी बनाए गए हैं पत्थर से। और इधर नाले पे सैलाब आने की वजह से लोग घरों को आगे मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सैलाब आए थे। तो अभी आप देख सकते हैं सैलाब की कटाई की वजह से लोग यहाँ से जलवतन हो रहे हैं, यहाँ से आगे हरकत कर रहे हैं। अभी घर बार हमारे घर बार आगे हैं, आप देख सकते हैं आगे ऊपर पहाड़ के सामने मौजूद है हमारे घर बार।
इधर भी घर बार हुआ करते थे एक ज़माने में। अभी पूरा पौधे लगाए हुए हैं और अभी भी एक दो घर, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पुराना घर है जी। तो पहाड़ी लोग ज़्यादातर आलू का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे आलू का जो छिलका है ना वो उतार रहे हैं, आलू का छिलका उतार रहे हैं, फिर इस छिलके को साफ़ करने के बाद इसको काट कर आलू कढ़ाई बनाते हैं। तो अभी आलू फड़ाई का काम जारी है जी। तो दोस्तों अभी इफ्तार का टाइम आ चुका है, तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।